हनी बेटा इतनी लेट जा रही हो यूनिवर्सिटी। क्लास देर से शुरू हो रही थी ना आज। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही जो तुमने बनाई हुई है। मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी मगर क्या उन्हें रिजवान की इस हरकत में बदनीयती से ज्यादा तुम्हें पा लेने की चाहत नजर आती है। जाने दे अम्मी, अब वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात से? किसी भी बात से, अब किसी भी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बेटा रिजवान की कॉल आ रही है, बताओ मैं क्या करूँ? मर्जी है उठा लें, मुझे तो कल से कॉल्स कर रहा है, गुस्से से पागल हो चुका होगा अब तक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ बेटा रिजवान, कैसे हो? बोलो। शुक्र है हानिया, तुमने मेरी कॉल तो पिक की। काफी काम ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं ना। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ काम मुझे भी ऐसे करने पड़े जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मैं क्या करता? वो अफजल मेरे पीछे पड़ा हुआ था। यू हैव नो आइडिया। रिजवान, फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं है मुझे। साफ साफ जान ली हूँ कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। हानिया ऐसा नहीं है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। मोहब्बत रिजवान ये है ना तुम्हारी मोहब्बत, जिसमें तुम मुझे धोखा भी देते हो और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेते हो। देखो हानिया, तुम सिर्फ जज्बाती हो रही हो। हाँ मैं बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं हकीकत पसंद भी हूँ। मेरा वक्त मेरे लिए बहुत कम है। फजूल इंसान पे जाया करने का शौक नहीं है मुझे। क्लास से मेरी चलती है। हानिया